अभी हम आ चुके हैं एसपी ऑफिस आज, और मेरे संग में है मेरा भाई। और देखिए हमारे सर हमको मिल गए, कन्नौज मौसम मिले थे और आज फिर से एक बार। ठीक है, और सर कैसे हैं? सर बढ़िया। हमें लगा एसपी ऑफिस में सुबह सुबह क्या करने आ गए। मैं गंगा जी के दर्शन करने प्रतिदिन जाता हूँ, गंगा जी दर्शन करना था हूँ, इस पर करता हूँ। हमारी बोतल अभी भी रखी होगी, उस जल को ले आता हूँ और पूजा पाठ में भी यूज करता हूँ, और प्रतिदिन गंगा जी सुबह से लेकर शाम तक जाऊँगा और जाके वहाँ दर्शन करूँगा। तो अभी हमारे जो सर हैं जुनैद साहब, वो भी देख रहे हैं, मिल गए, स्कूल से आ रहे थे, अचानक से नज़र पड़ गई बस मेरी, और सर बिल्कुल देख के भागते ही जा रहे थे, ये तो पहचान लिया मैंने। कन्नौज की गली आज घूम रहा हूँ पहली बार। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हम आ चुके हैं चरखा फार्म, और यहाँ पर हम अब देखने जा रहे हैं फूलों की खेती, जो कि मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है इस समय, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी किसी फार्म पर विजिट नहीं किया जहाँ पर फूलों की खेती होती हो, और ये बहुत ही बढ़िया जगह दिख रही है इस समय। यहाँ पर अभी फूल जो है सुबह सुबह तोड़ लिए जाते हैं, तो कोई दिन सुबह होगा जब हम आएंगे यहाँ पर, तो फूल यहाँ पर भी होंगे और हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इत्र का भी काम होता है कन्नौज में, तो सुबह सुबह फूल जो है तोड़ के भेज दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप मेरे हाथों में, ये रजनीगंधा का फूल है और इसकी महक बहुत बढ़िया आ रही है यहाँ पर। और बताने के लिए यहाँ पर इस फार्म में बहुत कुछ है, इसलिए मैं जो है आपको थोड़ा समय लेकर आऊंगा यहाँ पर किसी दिन, तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, तो मैं एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। और ये पौधा रजनीगंधा, मतलब जो लोग फूल इतनी अच्छी महक आ रही है, तो रजनीगंधा जो फूल है इसकी खेती नहीं होती, ऐसा मुझे भैया ने बताया यहाँ पर, और इसकी महक बहुत बढ़िया आ रही है। और भी फूल है दिखाते हैं। ये तो अमृत बच्चा है, ये डहलिया का है। डहलिया आगे लगा हुआ है, लाल वाला। ये लाल वाला है, ये तो मतलब लेमन ग्रास में कितना मजा आ रहा है यार, ये अपने यहाँ जैसे नहीं खड़ी रहती है, तो उसको पहले तो हम ये सोचे तो वैसे ही होगा ये कुछ, अरे ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर मैंने। ये सेटरिंगला। क्या है ये? सेटरिंगला। 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 इतने तो वो दिखाना जरा सा। दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये लेमन ग्रास है, इसकी महक बहुत ही बढ़िया आ रही है, और साथ में ये सेटरिंगला, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, बट क्या है कि थोड़ा सा अलग अलग है, हल्के हल्के, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है ये। एक जरा कुछ और होता है, जरा कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट देखने में एक जैसी लगता है, देखने में एक जैसी बहुत सारी चीजें होती है। खस आता है, खस का इतर। हाँ हाँ, खस जो अपने गर्मियों में कूलर वूलर में भी लगाते हैं, तो ये वो है खस की घास, वो होती है, रूट होती है, रूट में इसके एरोमेटिक फार्म में, तो यहाँ पे एरोमेटिक एक्सपीरियंस है। एरोमेटिक एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। हाँ, एरोमेटिक एरोमेटिक मिलेंगी, केवल आप एक्सपीरियंस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हाँ, जानकारी के लिए। खेती जो होती है मेन वो गुलाब की, खेती जो गुलाब की है। चलिए बढ़िया। सो जिस किसी को भी भाई एक्सपीरियंस लेना हो कन्नौज में, वह यहाँ पर आ सकता है चरखा फार्म पर, और यहाँ पर एक्चुअली सारी एरोमेटिक चीजें हैं, जिनको एक तरह से लोगों को एक्सपीरियंस करने, और जो यहाँ पर जितनी सारी चीजें उनको आप लोग देख सकते हैं, नजदीकी समझ सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक फार्म होता है, वैसे यहाँ पर एरोमेटिक फार्म है, तो यहाँ पर पूरा जितनी भी चीजें एरोमेटिक हैं, और बहुत बढ़िया चीजें हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा सा जो यहाँ पर एरोमेटिक फार्म है उसके बारे में अभी हमने काफी चीजें जानी, और हम इसका एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी हम आ गए कन्नौज रेलवे स्टेशन, और हमारे साथ हैं सर, अजय सर। अभी हम फूलों की खेती देख रहे थे, और देखते देखते बस रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं।